आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर यूपी सरकार नई रणनीति बनाने जा रही है। जनवरी में इसकी सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। अब निगाहें बीजेपी के रुख पर है। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर मामले की जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है यूपी सरकार। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले पर मालिकाना हक की सुनवाई चल रही है। 29 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर पर सिर्फ कुछ मिनट ही सुनवाई हुई, जनवरी की तारीख मिली है। सुप्रीम कोर्ट मामले की नियमित सुनवाई को लेकर जनवरी 2019 में फैसला दे सकता है। केंद्र सरकार और बीजेपी चाहती है कि लोकसभा चुनाव के पहले राम मंदिर के मुद्दे पर फैसला आए। केंद्र सरकार का रुख भी इस बात पर निर्भर करेगा कि कोर्ट जनवरी में क्या कहता है। बीजेपी और केंद्र सरकार पर राम मंदिर को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। कल राजनाथ सिंह की मौजूदगी में लोगों ने मंदिर बनाने वाले को वोट देने के नारे लगाए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर वो लोग ही बनवाएंगे। और इस वक्त बड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं इस मामले में नियमित सुनवाई हो, रोजाना सुनवाई हो। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है। एक तरफ यूपी सरकार उसकी तरफ से अर्जी लगाने की तैयारी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अब खुलकर राम मंदिर पर बोल रही है। प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं कि राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन हमारी ये भूमिका है कि रोज अपील होके इसका जल्दी फैसला हो, रोज सुनवाई होके, रोज सुनवाई होके राम मंदिर का फैसला जल्दी हो, यह हमारी इच्छा है। तो गेम कुल मिलाकर कोर्ट के पाले में, कोर्ट इस पूरे मामले को कैसे देखती है और कैसे आगे बढ़ती है।